जैसे लोग YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अच्छा सा DSLR कैमरा और माइक लेना चाहते हैं। ऐसे ही जो लोग ब्लॉगिंग के फील्ड में होंगे उनकी क्या इच्छा होगी, उनकी इच्छा होगी कि वो अच्छा से अच्छा वेब सर्वर के साथ साथ वो ब्लॉगिंग टूल्स में वो अपना लैपटॉप कम से कम ले सके। तो ऐसे में आप लोग के दिमाग में चलता हुआ कि यार ब्लॉगिंग करने के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा होगा, कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है लैपटॉप के मामले में, तो आपको इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम में आपके लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। तो आपको ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फोमा। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको एक चीज़ और पहले बताया था कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ना तो मोबाइल से भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे बातें आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या सारे टूल्स को आप एक्सेस कर पाएंगे? शायद नहीं। सारे टूल्स का मतलब ये होता है कि मोबाइल के लिए जो ऑप्टिमाइज वेबसाइट है उस पर तो चलिए कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे फंक्शनैलिटी जैसे कीवर्ड रिसर्च करना हो गया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होंगे जो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि उनका काम जो है डेस्कटॉप बेस होता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि सर्च इंजन के लिए ज़रूरी पड़ जाता है। तो ऐसे में आपके लिए बेसिक चीज़ है कि आपके पास एटलीस्ट लैपटॉप होना चाहिए। ठीक, अब लैपटॉप होना चाहिए तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास i5, i7, i3 या डुअल कोर टू डुअल कौन सा प्रोसेसर लैपटॉप में होना चाहिए और कितना नेसेसरी है, ये जानकारी होना ज़रूरी होता है। देखिए अगर आपके पास पैसा है तो भैया i7 ले लीजिए, उससे भी कम पैसा है तो i5 ले लीजिए, और उससे भी कम पैसा है ना तो i3 ले लीजिए। लेकिन अब कहिएगा इससे भी कम तो भैया कोर टू डुअल या डुअल कोर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ये मैं आगे बता रहा हूँ इसी वीडियो में। देखिए आप जब ब्लॉग शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो लैपटॉप लेंगे उससे काम क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपको ब्लॉग मेंटेन करना है, ठीक है, ब्लॉग पे आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग के लिए इमेज तैयार करना है, ब्लॉग का SEO लेवल को मेंटेन करने के लिए कभी कभी वेब होस्टिंग को एक्सेस करना पड़ जाएगा, वेब होस्टिंग में ऑप्टिमाइज करना पड़ सकता है ना, आपका सर्वर हो गया, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ सकता है अगर एडवांस लेवल पे जाते हैं तो सोच के देखिए कि अगर आप एडवांस लेवल पे नहीं भी जाते, एडवांस चीज़ नहीं भी करते, सर्वर मेंटेनेंस नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ब्लॉग पे आर्टिकल लिखने के लिए आपको दो चीज़ तो चाहिए, एक तो ब्लॉग पे लिखना है, दूसरा उस ब्लॉग के लिए इमेज तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो इमेज लेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ इमेज आपको खुद से बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भैया कॉपीराइट का डर रहता है। तो जब इमेज लेंगे या इमेज बनाएंगे या उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए इमेज एडिटिंग टूल्स चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपके पास जो है इमेज एडिटिंग टूल्स नहीं है तो ब्लॉगर के लिए कौन कौन सा इमेज एडिटिंग टूल्स है उसके लिए वीडियो है, नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो। नहीं तो भैया दूसरे का कॉपी करेंगे इमेज तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक वहाँ पे भी आता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे होता है, वहाँ पे भी होता है और शायद इससे खतरनाक होता है क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा लगा रहता है सर्वे के लिए, इसके बाद डोमेन के लिए, तो ये सब भी देखना पड़ता है ना। चलिए तो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा था शुरू में, आज की डेट में मेरे पास जो है एडवांस लेवल का लैपटॉप है, एडवांस लेवल का डेस्कटॉप है और यूट्यूब के लिए जो है एडवांस लेवल का DSLR मैं ले चुका हूँ, महंगा DSLR जिससे मैं भी फिलहाल रिकॉर्ड करता हूँ, इससे पहले का जो वीडियो जो है कुछ महीनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि आप बेसिक कोर टू डुअल, डुअल कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास i3 लैपटॉप होना ज़रूरी होता है। रीज़न यही है कि आपको इमेज एडिटिंग टूल्स कम से कम रन होना चाहिए, सारे इमेज एडिटिंग टूल्स और सारे इमेज जो है आप प्रोड्यूस जो है आप मोबाइल से तो कर नहीं सकते हैं, आपको हैवी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए ना तब जाकर के आप i5 या i7 आप लैपटॉप या डेस्कटॉप ले सकते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है, बेसिक चीज़ में आपको ये चीज़ ज़रूरी पड़ती है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास जो है कौन सा लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में कितना GB रैम और कौन सा प्रोसेसर है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ कि मास लेवल पर जो मेरे व्यूअर हैं उनके पास कौन सा सिस्टम है। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।